अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज वाले करेले। प्याज भर के नहीं बल्कि इनको प्याज के साथ पकाएंगे। ये मैंने सारे करेले छील लिए हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। इस तरह पीलर जो होता है, इससे पहले ये जो इसके मोटा मोटा हिस्सा होता है ना, ये इस तरह उतार लेते हैं। ये सारे करेले मैंने छील लिए। अब ये करेले छीलने के बाद इनको बीच से ऐसे कट लगाएंगे। जब ये इस तरह खुल गया बीज, तो इनको टीस्पून जो होता है ना, अगर छुरी से निकालेंगे बहुत मुश्किल हो जाता है ये, तो इससे आराम से बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसकी सारी बीजें जो हैं सीड्स निकालनी होगी। ये देखें, इस तरह करेंगे ना, ये देखें चमचे से। और अगर ये टूट जाए कोई पीस, कोई मसला नहीं है, तो पकने में सब इसको हमें काटेंगे। इस तरह मैं सारे जितने भी करेले मैंने छीले हैं, इस तरह इस स्पून की मदद से मैं सारी सीड निकाल दूंगी। सीड निकालने के बाद जिस तरह सब्ज़ी बनाते हैं, इस तरह छोटे छोटे पीसेस में सारे करेले काट के और इनमें नमक लगा के रख देती हूँ। ये इतना मैं काम करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और नमक लगा के तकरीबन 2 से 3 घंटा तो ज़रूर ही रखना है, ज़रूर। इससे ज़्यादा भी रख लें तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि जब नमक का पानी इसमें लगेगा और वो उसमें से पानी निकलेगा करेले में से, तो करेले की सारी कड़वाहट जो है वो भी साथ ही निकल जाती है। ये नहीं कह रही मैं कि करेले की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रहती है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही पका लूँ ना बग़ैर नमक लगे हुए, तो ज़्यादा कड़वा होगा। वरना तो बहुत इसकी कड़वाहट जो है वो नमक लेके अपने साथ पानी के साथ बहा के निकाल देता है, इसलिए नमक लगा के रखना ज़रूरी है। करेले जो हैं वो मैंने 3 से 4 घंटे के लिए नमक लगा के इसको रख दिया था। इसका सारा पानी कड़वा इस पे किनारे आ गया था, वो धोकर और फिर बहुत अच्छे बड़े प्याले में खूब ज़्यादा पानी डाल डाल के इसको धोकर इसको छन्नी में रख दिया मैंने। ये इस तरह तैयार हो गया। अच्छा, ये आधा किलो करेले हैं, तो मैं प्याज लूँगी 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। इसमें प्याज ज़्यादा होती है, प्याज वाले करेले भी हैं, और ये प्याज ही की वजह से इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म होती है। इसमें मैंने 3 पाव प्याज ले लिया 750 ग्राम। सबसे पहले पूरी प्याज डाल दी, उसके बाद ये जो करेले रखे थे ये डाल दी। इसमें सब साथ चढ़ता है, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और 1/3-4 कप सरसों का तेल। इसको ना जलाना है ना इसको गर्म करना है, कुछ नहीं, ऐसे ही जैसे रॉ रखा रहता है बॉटल में, वैसे ही डालना है 1/3-4 कप, आधे मग से थोड़ा ज़्यादा। ये मैं सब आधा किलो करेले का बता रही हूँ आपको क्वांटिटी। खूब अच्छे तरीके से ये डाल दिया, 5-6 चमचे दही, 5-6 चमचे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिर्चें ज़्यादा कर खाते हैं अगर आपके घर में, तो इसमें मिर्चें बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा ये पक जाए तो इसका नमक भी टेस्ट करके, नमक आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट जैसे आपके घर में खाया जाता है वैसे डालिएगा, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह सौंदहान, इसको कहते हैं जब सब चीज़ें एक साथ डालते हैं ना, इसको कहते हैं सौंदहान चढ़ाना। अब मैं इसको जो है चूल्हे पे रख दूंगी, जब इसमें थोड़ी सी भाप निकलने लगेगी तो फिर मैं पानी डालूंगी। ये देखिए, अब इसमें से स्टीम निकलती नज़र आई, ये गर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी,
इसमें पानी इतना डालना है कि बस ये जो आपका करेला और सारा ये जो बैटर है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर आए। एक गिलास पानी डाल के चेक करेंगे, थोड़ा सा और डाल सकता है पानी। बस ज़्यादा पानी नहीं भरना है। ये जो ये चीज़ है आपकी प्याज और करेला वगैरह, ये बस डिप हो जाए, इससे ऊपर भी ना आए, बस सिर्फ ये डिप होना चाहिए। इसको एक दफ़ा चला के इस तरह चला के, और पानी में सब कुछ डिप है, इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो मैं चूल्हा जो है वो बिल्कुल दम की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे, जैसे बिरयानी वगैरह को दम देते हैं। और इसको एक घंटा से, एक से डेढ़ घंटा ये पकता रहेगा, इसलिए कि करेला ज़रा देर से गलता है। जब तक ये सारा मिक्सचर गलेगा फिर मैं उसका बाद आपको दिखाऊंगी। अभी आधे घंटे बाद मैं इसका ढक्कन खोल के इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करूंगी, वह मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन टोटली ये जो गलेगा ना, इससे इसमें इसको एक से डेढ़ घंटा लग सकता है। अभी चलें इसको आधे घंटे के लिए बंद करते हैं, आधे घंटे के बाद मैं क्या शामिल करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, ये हल्की आंच पे पक रहा है, दम वाली आंच पे। अब इस वक्त मैं डालूंगी इसमें कलौंजी और सौंफ। ये 1 टीस्पून कलौंजी लिए, 1 टीस्पून सौंफ लिया, ये चला जाएगा इसमें। और इतना थोड़ा सा गुड़, ये पीस, इतना गुड़ डालेंगे। बहुत छोटा सा पीस है मेरे ख्याल में, तो ये इतना ही काफ़ी होगा। अगर जो शुगर पेशेंट हैं तो फिर आप मत डालिएगा, फिर आप ये दही से ही इतना ज़्यादा ऐसी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर गुड़ मत डालिएगा। अगर घर में शुगर पेशेंट हैं उनको भी खाना है तो, वरना तो ये गुड़ डाल दीजिएगा, उससे तो इसकी कड़वाहट लगेगा ही नहीं। ये करेला है, ये बिल्कुल कड़वाहट होगी ही नहीं। ये मैं गुड़ डाल दूँगी इसमें, बस अब इसका काम ख़त्म। अब इसमें कुछ नहीं डलेगा, बस सिर्फ ये पानी इसका खुश्क होगा, करेला गलेगा और इसे भूनेंगे। बाकी फिर मैं इसको मतलब पकाती रहती हूँ। आधा घंटा हो गया है, आधा घंटे से आधे घंटे के बाद हम इसको फिर चेक करेंगे कि कितना गला। ये देखें व्यूअर्स, ये करेले बनके तैयार हो गए हैं। ये मैंने उसको डिश आउट कर दिया है, और इसको बेसन की रोटी के साथ बना के खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा, टेस्टी आता है बेसन की रोटी से। लेकिन अगर इसके साथ आप दाल पका लें और घर की चपाती के साथ खाएं तो भी अच्छा लगेगा। बहरहाल ये तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे खाना पसंद करें। और टेस्ट करके इस रेसिपी से करेले बनाइएगा प्याज वाले, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अगर पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।